यहाँ पर सब पैसा दे के घुस रहे हैं तो करेंगे क्या, लाखों रुपया दे दे के घुस रहे हैं तो करेंगे क्या, 45 लाख 50 लाख जेपीएससी को बेच रहे हैं तो करेंगे क्या। जब वो वीडियो सीओ बनकर आएंगे और गांव जाएंगे तो सोच लीजिए पूरा गांव का जो फंड आएगा, जो योजना आएगा, सारा योजना अपना पेट में घुसा देगा वो अधिकारी। अरे ईडी क्यों नहीं इसका जांच कर रही भाई, सीबीआई जांच करना चाहिए, ईडी इसमें लग जाना चाहिए, ईडीओ को भी लग जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है लोग बेचा होगा, चाहे 10 रुपए में बेचे चाहे 5 रुपए में बेचे, लेकिन लोग समस्या के दाम में जरूर बेचा होगा, समस्या के दाम में बिल्कुल बोल रहे हैं लोग भूखा है। भ्रष्टाचार किससे नहीं होगा ये योगेश भारती बताइए। देखिए ये सेंट्रल को दे देना चाहिए, जो है ना यूपीएससी जो एग्जाम लेता है उसके अंदर दे देना चाहिए, तो हमको नहीं के बराबर लगता है कि ये सेटिंग गेटिंग होता है। देखिए अभी हमारे साथ झारखंड के ऐसे छात्र नेता हैं जो अपनी बोलने के तरीके से हमेशा वायरल रहते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, और हमेशा छात्रों के लिए लड़ते रहते हैं। सबसे पहले योगेश भारती जी बहुत स्वागत है सफर सच में। कोटि कोटि प्रणाम, जोहार आपको सफर सच में, सफर सच सच दिखाने के लिए। अच्छा योगेश भारती जी, जेपीएससी का आंदोलन में धांधली होता है, जेएसएससी सीजीएल के आंदोलन ये धांधली होता है परीक्षा में, और जेपीएससी के परीक्षा में धांधली हुआ, इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? देखिए ये बुरी नज़र से देखते हैं, जो है ना बुरी नज़र से देखते हैं इसको, इसलिए क्योंकि जितना बार भी एग्जाम होता है, चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, सब में सेटिंग गेटिंग हो रहा है और पेपर लीक हो रहा है, तो हम इसको बुरी नज़र से ही देखते हैं। राहुल, किसको दोषी मानते हैं योगेश भारती जी? देखिए इसमें आयोग को हम दोषी मानते हैं, और ये सरकार क्या कर सकती है, सरकार तो चला रही, लेकिन सरकार के अंदर में जो आयोग आती है, आयोग को कम से कम हार्ड डिसीजन लेना चाहिए, इस तरह पेपर लीक कैसे हो सकता है, यहाँ के गरीब शोषित छात्र कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, लाखों रुपया खर्चा करके बाहर में पढ़ रहे हैं लोग, बहुत मतलब कि घुट घुट के तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे छात्रों को तोड़ा जा रहा है, दिल तोड़ा जा रहा है, तो एक सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आयोग का ही कड़ी से कड़ी मतलब कि जांच गठित करना चाहिए और ये एक्शन लेना चाहिए। अच्छा आपके तमाम साथी छात्र नेता से नेता बन गए, योगेश भारती कब बन रहे हैं? देखिए योगेश भारती ही हैं और वैसे कुछ नहीं है, जो भारतीय हैं से है, अभी भी स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट देखिए अभी भी एग्जाम लिख कर आ रहे हैं, तो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मकसद यह है कि जो गलत होता है तो गलत है, जितना मतलब कि पाइप में देखिए कि नल खोलिएगा ना, पाइप में पानी लीक होता है उतना इसका जेपीएससी पेपर में लीक हो रहा है, शुरू से अंत तक देखिए, झांक कर देखिए, सब में धांधलीबाजी हुआ है सब में, और इसमें तो महा घोटाला हुआ है, इसके में 100% रद्द कर देना चाहिए जेपीएससी को, आंख मूंद कर, आंख ऐसे बांध कर उसको जो है रद्द कर देना चाहिए। आप झारखंड देखिए बीपीएससी जो है टीचर बहाली कर रद्द कर दिया, आपका झारखंड जो सॉरी उत्तर प्रदेश में देखिए वहाँ कर दिया, और उन माफियाओं का जो है बुलडोजर चलता है, लेकिन झारखंड में इन लोग सुरक्षित रह जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इन लोग पर भी होना चाहिए। अरे ईडी क्यों नहीं इसका जांच कर रही भाई, सीबीआई जांच करना चाहिए, ईडी इसमें लग जाना चाहिए, ईडीओ को भी लग जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है लोग बेचा होगा, चाहे 10 रुपए में बेचे चाहे 5 रुपए में बेचे, लेकिन इन लोग समोसा के दाम में जरूर बेचा होगा, समोसा के दाम में बिल्कुल बोल रहे हैं इन लोग भूखा है, समोसा पकौड़ी में बेच देता है, एकदम बेच देता है, एकदम इन लोग भूखा है, इन लोग को मिल ही नहीं रहा है, और ऐसे ऐसे जो लोग हैं जो कि जेपीएससी को बेच रहे हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों को जांच होना चाहिए, टीम गठित होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ के छात्र हताश और निराश है। जेपीएससी को बेच रहे हैं कि जेपीएससी के प्रश्न को बेच रहे हैं? जेपीएससी के बेच दिए समझे कि जब उसमें वीडियो सीओ अधिकारी सब आएंगे तो जेपीएससी में ना बैठेंगे, तो समझिए एक तरह से जेपीएससी के पूरा बेच दे रहा है इन लोग, ये तो यूपीएससी का दे देना चाहिए एग्जाम लेने के लिए, इसको छोड़ देना चाहिए जेपीएससी की, ये भ्रष्टाचार का कचड़ा का डिब्बा बना हुआ है। अच्छा भ्रष्टाचार किससे नहीं होगा ये योगेश भारती बताइए। देखिए ये सेंट्रल को दे देना चाहिए, जो है ना यूपीएससी जो एग्जाम लेता है उसके अंदर दे देना चाहिए, तो हमको नहीं के बराबर लगता है कि ये सेटिंग गेटिंग होता है। देखिए भ्रष्टाचार ये कलयुग है भैया, अच्छा तो काला थोड़ा मोड़ा तो रहबे करेगा। अच्छा ट्वेल्थ में भी होता है, टेंथ में भी हो जा रहा है, अभी हाल ही में सुनने में आया झारखंड में कि 12वीं की जो परीक्षा हुई उसमें पेपर लीक हो गया, तो आप ये भी बोलिएगा कि यूपीएससी को दे दिया जाए, परीक्षा झारखंड सरकार नहीं ले तो किसको, मतलब सॉरी जो के जैसे मान लीजिए जेपीएससी यहाँ ले रहा है, जेएसएससी ले रहा है, तो कौन लेगा फिर, सेंटर देगा दीजिएगा तो फिर सेंटर वाले बोलिएगा कि सेंटर कंट्रोल कर रहा है झारखंड को, आप लोग खुद चाहते हैं कि सेंटर से कानून ना बने झारखंड से बने, अभी बोल रहे हैं झारखंड में ना कि सेंटर को दे देना चाहिए। मेरा कहने का मकसद है कि झारखंड का नियम बनना चाहिए, लेकिन वो यूपीएससी का दे देना चाहिए, मेरा सौंपने का मकसद है। अब ये 1 क्लास का पेपर लीक हो जाएगा, 2-5 क्लास का पेपर लीक हो जाएगा, तो ये तो सरकार की ना गलती है, या फिर जो शिक्षक है उनको तुरंत जो हटा देना चाहिए उसमें,
तुरंत उसको हटा देना, सस्पेंड कर देना चाहिए। तो ऐसे ऐसे अधिकारियों को फिर क्यों रखते हैं? जैसे जेपीएससी में जो पेपर लीक करवाया और जिसमें सेटिंग गेटिंग हुआ, जिसका सील पैक था, उस शिक्षक को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। या जो भी अधिकारी या जो भी टीचर अगर जो क्वेश्चन बनाया जेपीएससी का और जो ये जो बुकलेट जो सेम मिल रहा है, उन लोग को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। तो ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कम से कम। तो ऐसे नहीं होता यहाँ पर, सब पैसा दे के घुस रहे हैं तो करेंगे क्या? लाखों रुपया दे दे के घुस रहे हैं तो करेंगे क्या? 45 लाख 50 लाख जेपीएससी को बेच रहे हैं तो करेंगे क्या? जब वो वीडियो सीओ बनकर आएंगे और गांव जाएंगे तो सोच लीजिए पूरा गांव का जो फंड आएगा, जो योजना आएगा, सारा योजना अपना पेट में घुसा देगा वो अधिकारी साहब। क्योंकि वो पहले 45 लाख 50 लाख पहले वसूलेगा, उसके बाद वो कुछ करेगा। अच्छा, योगेश भारती रद्द करवा पाएंगे जेपीएससी परीक्षा को? देखिए, हम लोग एक बता रहे हैं, सफर सजदा राहुल दा जो भी है, कि हम लोग जो है आवाज उठा सकते हैं, हम लोग एक संविधानिक तरीका से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रोड में उतर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। अभी तो आचार संहिता है, आचार संहिता है, लेकिन हम लोग बोले ना कि संविधानिक तरीका से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के हाथ में तो कुछ नहीं है। हम लोग के हाथ में कलम और एक कॉपी है और इसके सिवा हम लोग योगेश भारती कब तक पढ़ेंगे? पढ़ेंगे जब तक एज है तब तक पढ़ेंगे। आपके साथी नेता बन रहे हैं, बहुत अति आवश्यक है, नेता बनना जरूरी है। हम लोग जैसे जैसे छात्रों के नेता बनना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, इन्हीं अभ्यर्थियों ने तो आज सोच समझ कर तब ना वो नियम पारित करेंगे। अगर नवजुवक नहीं आएगा तो नवजुवक का दर्द कैसे समझेगा कि अगला नवजुवक का कैसे हो रहा है? सपाटी का समझेगा ना तो समझेगा। बूढ़ा बूढ़ी का बना देने से कुछ नहीं होगा, लोकसभा या विधायक बना दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। उन लोग को खाने का मतलब कि दवा खाने के एज में किसी का बीपी हाई हो रहता है, किसी का लो होता है, किसी का हार्ट अटैक रहता है, किसी का पायरिया की बीमारी रहता है, किसी का पेट दर्द रहा है, किसी का पेट निकला हुआ है, किसी का पेट पीछे निकला हुआ है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, किसी का दांत दर्द रहा है, किसी का बाल झड़ गया है, किसी का दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे ऐसे यहाँ विधायक और सांसद है, तो उन लोग से कानून नहीं बन पाएगा, हाथ जोड़ के कहते हैं न युवकों को चुनिए, न युवक संभालेगा राज, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला है झारखंड में यहाँ। चलिए, योगेश भारती जी हैं जो जेपीएससी के परीक्षा को लेकर के जो धांधली हुई है, लगातार ये लोग मुखर रहते हैं, आवाज उठाते हैं, और इनका कहना है कि झारखंड जो है सो अब यहाँ पे जो किसी का पेट निकला है, किसी का कुछ निकला है, उनसे नहीं चलेगा। यहाँ पे अब चाहिए युवकों का सरकार और युवक को लाना पड़ेगा, तब जाकर के झारखंड बचेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं योगेश भारती के बारे में, जो हमेशा देखते होंगे, कभी परीक्षा देते मिलते हैं तो कभी परीक्षा हॉल से बाहर मिलते हैं, अभी भी ड्रेस में है, आप दिखाएंगे ऊपर से नीचे, अभी मिले हैं, सोचा थोड़ा सा बात कर लेते हैं, झारखंड के छात्रों के लिए सोचते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर साझा करें योगेश भारती जी के बारे में। नमस्कार, जय हिंद, जोहार जोहार, खतियानी जोहार।